हेलो दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला द पब्लिक न्यूज 24 से। आज हम आए हैं भारतीय विद्यापीठ पे वर्ल्ड कैंसर डे। आज मोस्ट कॉमन कैंसर पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। आज कैंसर से मरने वाले की संख्या पूरे सबसे ज़्यादा है। आज क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, किस लिए इसको डे सेलिब्रेट करते हैं, आज हम जानेंगे यहाँ की यूथ से। आज का जो यूथ है डॉक्टर से क्या चाहते हैं आने वाली पब्लिक से, चलिए मिलते हैं। भारतीय विद्यापीठ कि आज हम प्रिंसिपल से मिले आए हैं। आज वर्ल्ड कैंसर डे है। आज हम जानेंगे कि वर्ल्ड कैंसर डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, आज के दिन क्यों मनाया जाता है, और इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर क्या है, और आज इस कैंसर को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, आज इसकी इंफॉर्मेशन हम लेंगे। तो नमस्कार सर, हमारे शो में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि आज वर्ल्ड कैंसर डे है, आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है सर? WHO ने ये एक दिन तय किया है क्योंकि कैंसर अवेयरनेस के लिए उन्होंने सोचा है कि एक दिवस चुनना चाहिए, और तो इसकी वजह से ये वर्ल्ड कैंसर डे करके चुना गया है। क्योंकि अभी हम लोग का जो गवर्नमेंट जो है, इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ अ ट्रीटी विच FCTC करके एक है, तो फ्रेमवर्क ऑफ कंट्रोल ऑफ टोबैको कन्वेंशन। तो उसके दरमियान जो हमने ट्रीटी साइन किया है उसमें हम लोग ये स्टैट्यूटरी वार्निंग्स जो मूवीज में डाला जाता है और पब्लिक स्मोकिंग में प्रोहिबिशन डाला है, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। एंड हम लोग को एज डॉक्टर्स अवेयरनेस बिल्ड करना है कि ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली दे आर हार्मफुल। इन द शॉर्ट रन इट मे लुक स्टाइलिश। तो कुछ ऐसे फिल्म स्टार्स भी हैं जो इस पर बात करते हैं कि इससे स्टाइल नहीं होता है, एक्चुअली बीमारी होती है। तो ऐसे एड्स भी बनते हैं, बहुत सालों से फिल्म स्टार्स ये इस बात पर जुड़े हुए हैं क्योंकि दे हैव अ वेरी स्ट्रांग इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक ओपिनियन। तो अब बदल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रयास से और गवर्नमेंट के प्रयास से अवेयरनेस इतना बढ़ेगा कि उन कैंसर्स पर हम लोग काबू पा सकते हैं जिसका डायरेक्ट हमको कॉज मालूम है, जैसे कि टोबैको स्मोकिंग, गुटखा वगैरह, क्योंकि अभी गुटखा भी बैन हो गया है पूरे महाराष्ट्र में। तो ये सारे तमाम कोशिशें हैं कि कैंसर पर काबू लेके आने के लिए, पर कुछ कैंसर्स जो हैं वो इसके बावजूद होंगे। तो एक हद तक ये हमारी जो बाकी डाइट वगैरह पर नियंत्रण रखकर वी आर इन अ पोजिशन टू कीप दैट ऑल्सो इन चेक एंड अर्ली डायग्नोसिस। अब कैसे फैसिलिटीज सिटीज में तो काफ़ी है, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जब तक मेडिकल एंड डेंटल फैसिलिटीज छोटे छोटे गांव और कस्बे तक नहीं पहुंचेंगे, ये थोड़ा सा एक हिस्सा हो सकता है कि कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनको बीमारी है और वो फैसिलिटीज वहाँ पर नहीं होता है, तो उनको ऐसा सिटी में आकर के ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो अर्ली डायग्नोसिस में भी काफ़ी बार वी आर इन अ पोजिशन टू हेल्प देम successfully combat cancer. सर, जैसा भी मोस्ट कॉमन देखा कि गांव खेड़े अगर बात करें, देखिए मेट्रो सिटी में तो सबको इन्फॉर्मेशन होता है कि अगर कैंसर है तो प्रिवेंट कैसे करना है, किस डॉक्टर पर जाना है, लेकिन गांव में आज भी लैक ऑफ द इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि अगर मुझे ओरल है या माउथ कैंसर अगर है तो मैं डेंटिस्ट के पास भी जाके इसका फर्स्ट चेकअप स्टेज करा सकता हूँ, तो इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे सर आप? या तो इसमें एक्चुअली हमारे देश में अब 305 डेंटल कॉलेजेस हैं, और ये 305 डेंटल कॉलेजेस पूरे देश में बिखरा हुआ है। तो अगर हर कॉलेज ने ये एक बीड़ा उठाया कि वो गांव-गांव में जाकर के ये मैसेज स्प्रेड करेंगे, और अपने कॉलेज में एक टोबैको सजेशन सेंटर जैसा कोई प्रयास शुरू करेंगे, इसी तरह अलग अलग जगह पर मेडिकल कॉलेजेस अभी शुरू हो रहे हैं, एम्स शुरू हो रहा है, इसी तरह, क्योंकि हमारे देश में पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी हेल्थ जो कहते हैं इस पर जोर नहीं दिया जा रहा है। हम लोग बीमारी होने के बाद उसका इलाज पर हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हम लोग को देश विदेश से लोग आकर यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं, जो अच्छी बात है। ये टेक्नोलॉजी जो एक्सपर्टीज है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए समझदारी वो होगी कि हम लोग बीमारी होने ही ना दें, और इसके लिए पब्लिक हेल्थ पर फोकस ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो छोटे छोटे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है वहां पर भी डेंटिस्ट होने चाहिए, और ये एक कंसेप्ट होनी चाहिए कि कैंसर प्रिवेंशन या कैंसर चेकअप ये पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स में आशा वर्कर्स
के माध्यम से इसका अवेयरनेस, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा रहेगा, तब हम लोग सही मायने में अच्छे डॉक्टर कहलाएंगे। सर जैसा कि देखा गया है कि MBBS अगर देखा जाए तो PSM कम्युनिटी मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ एक सब्जेक्ट है सर, और उस सब्जेक्ट में कितना वेटेज दिया जाता है, उस सब्जेक्ट का PG एग्जाम में या एंट्रेंस एग्जाम में कितना वेटेज है आप इसे जानते हैं, तो सर आपको नहीं लगता है कि एक जो पब्लिक हेल्थ है मात्र एक बुक बन के रह गया है, वो आने वाले पब्लिक के लिए हेल्प नहीं हो रहा उससे? नहीं, वाकई ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पब्लिक हेल्थ जो है उस पर काफी कम एम्फोसिस दिया गया है, और ये हमारी मेडिकल और डेंटल एजुकेशन का एक वीकनेस है, एक कमजोरी है, क्योंकि उसमें वो ग्लैमर नहीं है। yes, sir. और उसमें यूजुअली हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया है, लेकिन जो हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं उसको हम दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो हुआ ही नहीं, तो थोड़ा सा अनग्लैमरस है। लेकिन डॉक्टर का जो काम है वो ग्लैमरस हो या न ग्लैमरस हो, उसका काम है कि पब्लिक हेल्थ को बढ़ाए, तो ये एक वैल्यू सिस्टम हमारे बच्चों में देना चाहिए, और ये हम प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय विद्यापीठ में हमारे डेंटल बच्चों को ये वैल्यू सिस्टम दें कि आप सिर्फ ट्रीटमेंट बड़े बड़े इम्प्लांट्स या बड़े कोई सर्जरीज ये करते करना है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ साथ हम सोसाइटी के लिए एक हम हमारी एक कमिटमेंट है एज अ डॉक्टर कि हमको उनमें अवेयरनेस बढ़ाना है। तो ये दिस इज अ फॉल्ट इन आवर एजुकेशन, और जहां जहां हम लोग कर सकते हैं उसको हमको करेक्ट करना है, तो हमारा ये प्रयास रहा कि वो करेक्ट करें, और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी भी कॉलेजेस हमसे जुड़ें और ये लैक ऑफ एम्फेसिस ऑन पब्लिक हेल्थ इसको करेक्ट करें। सर बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि अगर पब्लिक हेल्थ के बारे में और कॉलेज भी अगर जुड़ सकते हैं, क्योंकि यह काम किसी का काम नहीं है, एक पब्लिक की सेफ्टी है, और इस जो अभियान है या मुहिम जिसको बोला जाए, इस मुहिम से जुड़कर जितने डेंटल कॉलेज या मेडिकल कॉलेज है सभी एक साथ मिले और एक साथ मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएं तो बहुत बड़ा कदम हो सकता है। आज हम जानेंगे आने वाले यूथ पब्लिक को क्या संदेश देना चाहता है वर्ल्ड कैंसर डे पर। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अन्वय भारत चंदन शिव है। तो अन्वय आप क्या संदेश देना चाहते हो पब्लिक को? हम लोग ये जो कर रहे हैं कार्यक्रम एक वर्ल्ड कैंसर डे के लिए, तो हम लोग कैंसर कैसे मतलब स्प्रेड कैसे होता है, उससे हम लोग मतलब बच कैसे सकते हैं, वो उसके ऊपर हम लोग बताते हैं। अन्वय जैसे आपने अभी पोस्टर पकड़ा हुआ है, तो मुझे पोस्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, पोस्टर से आप क्या दिखाना चाहते हो आने वाले पब्लिक को? सो ये पोस्टर में क्या लिखा हुआ है कि कैंसर कैसे होता है आपको, मतलब कौन सी चीज़ें खाने से आपको कैंसर हो सकता है। अब जैसे कि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ करते हैं अपन, मतलब जो शुगर ज़्यादा हो गया तो फिर उसकी वजह से हो सकता है। अपने कैन फूड्स रहते हैं जो मतलब कैन में मिलते हैं अपने को खाना, अपन बाहर से सब्जी वगैरह लेते हैं वो अच्छा रहता है थोड़ा, बट जो कैन फूड्स है उसके ऊपर से कैंसर स्प्रेड हो सकते हैं इससे। फिर ये अजीनोमोटो जो अपना चाइनीज में होता है मोस्टली, तो उसकी वजह से भी कैंसर ज़्यादा बढ़ सकता है, आपको चांसेस हो सकता है कैंसर होने का। फिर अपना ऑयली फूड हो तो बेसिकली हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है। यस, आपको क्यों लगता है कि इससे कैंसर ज्यादा होते हैं? ये बेसिकली कैंसर कॉजिंग जो एजेंट्स होते हैं उन्हें ट्रिगर करने में हेल्प करते हैं, ये डायरेक्टली कैंसर नहीं कॉज करते, बट अगर ट्रिगर ही हो रहा है अपने इसमें तो फिर ये भी हार्मफुल है। राइट, आज के यूथ को एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए जो कि लोग नहीं करते, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं। ये ऑयली फूड्स खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन बढ़ता है, फिर ओबेसिटी आता है, और ये सबका कारण बनता है कैंसर। तो ये सब अगर हम जितना अवॉइड करें बॉडी में, अगर आपके कोई चेंजेस हो रहा है तो आप जाके खुद से इलाज ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, ये सब करने से आप कैंसर को रोक सकते हैं। मेरा नाम हेमकांता है एंड मैंने ये पोस्टर बनाया है एंटी कैंसर फूड्स के लिए, वो चीजें जो हमें खानी चाहिए जिससे हम कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आप मुझे इसके बारे में बताइए क्या क्या चीजें। सो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें गार्लिक है, मतलब लहसुन, गाजर, ड्राई फ्रूट्स, बीटरूट, ब्रोकली और बेल पेपर्स। तो ये सब इन सारे फूड्स में एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है। सो इन्फ्लेमेशन एक कारण हो सकता है जिससे कैंसर इनिशिएट हो सकता है बॉडी में, तो ये सब खाने से हम कैंसर का रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। तो निकिता आप अपने पोस्टर के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो? ये पोस्टर मैंने बनाया, इसमें आप देख सकते हैं ये बताता है कि कैंसर अगर इनिशियल स्टेज में देखा जाए, डिटेक्ट किया जाए तो ठीक हो सकता है,
बट आपको ये समझना चाहिए कि आपको कैंसर पहले इनिशियली कैसे हो सकता है. अगर आपको ये फैक्टर्स है जैसे कि आप तंबाकू ना तो स्मोकिंग करते हो तो आपको एक चांस है कि आपको कैंसर हो सकता है. सुरभि, तो आप अपने पोस्टर के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो? ये पोस्टर से आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए या ये सब चीज़ें जिसकी वजह से कैंसर आपको हो सकता है. तो इट्स लाइक रेडिएशन, जो लोग ज़्यादा रेडिएशन को एक्सपोज होता है दे आर द पीपल जिसके जिनको लाइक कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या स्मोकिंग, तंबाकू, या जो ऑक्यूपेशन में माइनर्स जो होता है, जो हवा का धुआं होता है आपके नाक से अगर आपके लंग्स में गया तो आपको लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होता है. इवन कोई दूसरे बीमारियाँ लाइक इन्होंने बताया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसकी वजह से आपको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, या हेपेटाइटिस जिसकी वजह से लिवर कैंसर, या एनवायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, प्लस एज है. श्रुति, आप अपने क्या संदेश देना चाहते हो? ये एक स्लोगन है जिसका कहना है जो जो तुमने खाया भुना और पी बीड़ी तो तैयारी कर रहे हो तुम कैंसर की सीढ़ी. यस, आप क्या संदेश देना चाह रहे हो? जो ये पोस्टर में लिखा है इसमें लिखा है कि कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं है, वो एक महामारी बन चुका है. Yes. महामारी आप कब बोलते हो? जब पूरी दुनिया भर में इस रोग के मरीज आपको मिलते हैं. अब कोविड महामारी बना, पहले वो वुहान में था, उसके बाद पूरी दुनिया में गया, वैसे महामारी अब पूरी दुनिया में. सो महामारी क्यों? एक ऑर्गेनाइजेशन है UICC, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल. उन्होंने सन 2000 में ये ईयर चालू किया, ये इवेंट चालू किया ताकि लोगों को समझे कि कैंसर का कितना खतरा हो सकता है. Yes. अब आप ओरल कैंसर बोलोगे तो ओरल कैंसर में ट्रीटमेंट का बाद कॉम्प्लिकेशन पूरा मुंह का वो सब बोन एंड वो सब निकालना पड़ता है. सर्जरी के बाद पेशेंट का पूरा ओवरऑल अपीयरेंस बदल जाता है. कैंसर से एस्टिमेटेड हर साल करीब करीब 1 करोड़ लोग मरते हैं. तो 1 करोड़ लोग मरते, बहुत सारे करोड़ लोगों को कैंसर होता है अलग अलग टाइप्स. एंड अभी UICC का ऐसा कहना है कि 2030 तक ये जो नंबर है 1 करोड़ 30 लाख तक जाएगा. मतलब हर साल 30 लाख लोग ज़्यादा मरेंगे कैंसर से, बहुत ज़्यादा करोड़ लोग अफेक्ट होंगे कैंसर से. तो अगर हमने अभी कुछ स्टेप नहीं लिया तो बाद में आने वाले टाइम पे हर घर में आपको कैंसर के मरीज़ मिलेंगे. तो इसलिए अगर आप जो चीज़ आप कर सकते हैं, जो आप फॉर एग्जाम्पल ये स्मोकिंग एंड तंबाकू का हैबिट होगा, ये छोड़ना डिफिकल्ट होता है, बट उसके लिए अगर आपने काउंसिलिंग लिया तो थेरेपिस्ट होंगे, ओरल फिजिशियन होंगे, वो आपको साइंटिफिकली इससे बाहर निकाल सकते हैं वैज्ञानिक तरीके से. Okay. आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा. इसके लिए बहुत सारे सेंटर्स भी अवेलेबल है, अपने हमारे कॉलेज में भी ये टोबैको सेशन अवेलेबल होता है जिसमें मास्टर डॉक्टर आपको हेल्प करते हैं कि सो दैट आप वो हैबिट छोड़ पाए. हैबिट आपने छोड़ पाए तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है कैंसर होने का. ये हमको यहाँ पे प्रमोट करना है. जो केमिकल होता है चीप प्रिजर्वेटिव्स होता है, फॉर एग्जाम्पल आप स्वीट एनहांसर्स होते हैं, जैसे आप अजीनोमोटो को स्पाइसी बनाने के लिए, चाइनीज फूड स्पाइसी बनाने के लिए आप उसमें डाल सकते हो, या फिर इवन नॉट इन द फूड ऑल्सो हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में पैराबेंस होते हैं, EDTA होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, हार्श केमिकल्स होते हैं. ये सब जितना अपनी स्किन पे अप्लाई करोगे आपको स्किन कैंसर का भी चांस होता है. तो अगर हम ऐसे ब्रांड्स पे शिफ्ट करें जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करते हैं, या फिर पैक्ड फूड की जगह पे आप वही खाना घर पे अच्छे ऑयल में बना सकते हो, विदाउट प्रिजर्वेटिव सीधा बना के खा सकते हो. कैंड फूड अब जितना एकदम से बंद करना इज नॉट पॉसिबल, बट अब जितना कम करोगे उतना अपना रिस्क कम होता जाएगा. उसके साथ आप हेल्दी लाइफस्टाइल एंड डे टू डे चेकअप एंड मंथली 6 महीने बाद आप एक बार चेकअप करवा लो ब्लड चेकअप, आपको रिस्क रहेगा. आपके फैमिली में अगर आपको अपने पिताजी को माताजी को पहले से कैंसर है तो आपको उसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है. तो अगर आप यहाँ पे आके चेकअप करा लोगे तो आपको रिस्क से बच सकते हो. ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अगर उस औरत को बहुत शर्मिंदा फील हो रहा है कि मैं डॉक्टर को कैसे बताऊँ, घर वालों को कैसे बताऊँ, अगर वो नहीं गई तो ब्रेस्ट कैंसर में संभावना है कि पूरा ब्रेस्ट का टिश्यू रिमूव करना पड़ता है. Yes. उसके बाद पूरी मतलब पूरा लाइफ टाइम उसको कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है, बाद में बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है. आज वर्ल्ड कैंसर डे है 4th February, तो इस ओकेजन पे हम 3rd year और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने एक स्किट रेडी किया है जिससे आपको कैंसर का अवेयरनेस के बारे में समझेगा और आपको समझेगा कि आप कैंसर और स्मोकिंग के हैबिट से कैसे छोड़ सकते हैं. तो हमने ये स्किट खुद बना के प्रेजेंट किया. द पब्लिक न्यूज चैनल पे लाइव ये कंटेंट शेयर होगा, ये स्किट शेयर होगा, आप इसको जरूर देखें ताकि आपको इसका अवेयरनेस समझे, इसका सीरियसनेस समझे और आप अननेसेसरी स्टेप्स ले सकें. क्या बात कर?
एक बात बताऊं, आप ये जो सिगरेट पीते हैं ना, इसमें निकोटीन नामक एक केमिकल होता है जिसकी वजह से आपको इस चीज की लत लग जाती है। और निकोटीन क्या होता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की गारंटी होती है जो आपके खून में जाते हैं ऑक्सीजन की लेवल कम करती है। यही नहीं, इसमें और सारी सारे हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं। ये जो मुझे को उसकी बेटी को ये दोनों को जो प्रॉब्लम हुआ है, जैसे इनको जेबी बेबी को जो कॉम्प्लिकेशन हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ सिगरेट की वजह से हुआ। कैसे? तो जब ये सिगरेट पीते थे बच्चे, ये हुआ सिर्फ और सिर्फ अजय नहीं क्योंकि उसकी बेटी भी लेती थी, इसलिए हम पासिव स्मोकिंग कहते हैं, जिसके वजह से उनको ये डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशन है। अपने हिंदुस्तान में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और पुरुषों में लिवर कैंसर, पेट का कैंसर, मुंह का कैंसर, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। पर अभी हम इससे बच के नहीं सकते, हम इसको पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन इसका रिस्क काफी हद तक कम कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन पैथोलॉजी वायरस का वैक्सीन लेके महिलाओं में काफी हद तक कम ये रेट बनाया गया है कि उनको सर्वाइकल कैंसर हुआ। लिवर कैंसर के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के मदद से हम इसका भी रिस्क काफी हद तक कम कर सकते हैं। यही नहीं, सिगरेट पीना कम करो, एक्सरसाइज करो, डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करो, इससे आप उसको कैंसर होने से बचा सकते हो। यार ये सब सुनने को मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, मैं बीच में कोशिश भी किया था सिगरेट छोड़ो, बड़ी आदत लगी जाती नहीं। हमें भी पता है कि सिगरेट पीने की आदत आसानी से जाने नहीं वाली, इसलिए यहाँ पे टोबैको सेसेशन काउंसलिंग भी करते हैं, जिससे आपको वैज्ञानिक तरीके से इस लत से छुटकारा मिल सकता है। भारतीय विद्या पीठ डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नवी मुंबई में वो ओरल मेडिसिन करके एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे एक टोबैको सेसेशन काउंसिल है। यहाँ पे वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपको मदद करते हैं इस लत से छुटकारा पाने के लिए। इंटरनेशनल यूनियन कैंसर कंट्रोल ने बताई, अगर हम कैंसर का अवेयरनेस नहीं करते तो फिर कैंसर से हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। अगर हम अभी स्टेप्स लेंगे तो बैड स्मोकिंग जैसे हैबिट से तुमको बचाएंगे, रेगुलर हेल्थी लाइफ स्टाइल, सुदामनी जी, हमारे सिनेमा में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये कैंसर होता क्यों है और आज इंडिया में सबसे ज्यादा क्यों पाया जा रहा है कैंसर केसेस। अर्ली साइंस, फर्स्ट साइंस ऑफ कैंसर बताना चाहूंगी कि लोगों को पता नहीं होता है। तो सबसे एक कॉमन साइन है जो कैंसर में, नॉर्मल कफ, जो अगर आपको कफ है एक महीने से ज्यादा, दो महीने तक आपको कफ है और आपको मेडिसिन लेने के बाद भी नहीं जा रहा है, गले में खराश है बहुत ज्यादा और वो नहीं जा रही है किसी कारण से, तो दो महीने अगर हो गए हैं उसको, यू हैव टू गेट योरसेल्फ चेक्ड। ओके, दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट साइंस। ओके, ब्लीडिंग है या कहीं पे आपको कोई जख्म है वो नहीं भर रहा है, कहीं पे अल्सर हो गया है वो नहीं हील हो रहा है, तो ये सब छोटी छोटी साइंस है जिससे हमें आइडिया आता है कि कुछ तो बॉडी में चेंजेस हो चुके हैं। और मैं ये एज अ डॉक्टर तो बता ही रही हूँ, एज अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट बता रही हूँ कि ये सारे अर्ली साइंस है, बट मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी कि जिन लोगों को नहीं पता है कैंसर होने के बाद हाउ लाइफ चेंजेस, आपको कितना लाइफ में आपको क्या बोल सकते हैं तकलीफ हो सकती है उसके बारे में। मेरे घर में खुद का एक एक्सपीरियंस है, माई मदर हैज़ अ शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, आई विल नॉट से शी इज़ अ पेशेंट नाउ, शी इज़ अ सर्वाइवर। तो मैंने वो फेज में देखा है कि कितना उनको तकलीफ हुआ है इस चीज में। आज हम डॉक्टर श्रेयस शाह के पास आए हुए हैं जो एक पर्सनल काउंसलिंग भी करते हैं कि कैंसर में होने वाले जो टोबैको है, लिकर है, उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, उसको छोड़ने का तरीका क्या हो सकता है, आज हम उनसे जानेंगे। तो नमस्कार सर, हमारे द पब्लिक न्यूज 24 में की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि आज वर्ल्ड कैंसर डे है और इस वर्ल्ड कैंसर डे में अगर देखा जाए तो 75% जो हैं लोग स्मोकिंग करते हैं, आईटी में हो या मेडिकल में हो, किसी भी सेक्टर में, या किसी न किसी तरीके से आज वो किसी न किसी नशे का पान करते हैं, तो उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है और इससे क्या क्या चीजें उन लोग प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले लाइफ में।
कोई भी चीज छोड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मन से उसके बारे में आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि ये मुझे छोड़नी है। तो आत्मविश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बाकी तो सपोर्ट करने के लिए हम लोग है ही, उसमें टोबैको रिप्लेसमेंट थेरेपी रहता है, बिहेवियर काउंसलिंग रहता है, और नॉन निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी रहता है। ये तीन टाइप से हम लोगों की तलब छुड़ाने का प्रयास करते हैं, और हम काफी हद तक उस पर सक्सेस भी हुए हैं ये यहाँ पे भारतीय विद्यापीठ में।